बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कढ़ाही। देसी स्टाइल में मटन कढ़ाही मैं बनाऊंगी, जो बनाने में बहुत सिंपल बहुत इजी है। यहाँ पर 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मटन ले लिया है। अब इसमें मैं 2 onion ऐड करूँगी, गार्लिक को भी मैं होल ऐड कर दूंगी, ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। 1 green chili इधर मैं ऐड कर रही हूँ, ये बहुत स्पाइसी है इसलिए। 2 से 3 tablespoon जिंजर पेस्ट, 1 spices ऐड करूँगी। ये सारे स्पाइसेस मैंने 1 teaspoon लिए हैं और होल गरम मसाला लिया है। स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको खाने में अच्छा लगे। अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। 1/2 cup इसमें वाटर ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 20 मिनट के लिए इसे मैं कवर करके कुक करूँगी। 20 मिनट के बाद इसमें मैं 2 tomato ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मटन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं 1/2 cup ऑयल ऐड करूँगी। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इस स्टेज पे आप इसे जितना ही भुनेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा। इसी तरह लो टू मीडियम आंच पे मुझे इसे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 cup वाटर ऐड करूंगी और इसको भी मैं ड्राई कर लूंगी। ग्रेवी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैं कम ही ग्रेवी बनाऊंगी। आप इसे नान या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरा इंस्टा अकाउंट भी है, अगर आप चाहें तो मुझे उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।